हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑन योर स्क्रीन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, फिगर दिया 6.40। मैंने फिगर कंप्लीट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया स्टार्टिंग में ताकि आपको समझाना आसान रहे। देखिए इसमें गिवन है एंगल एक्स, मीन्स एंगल एक्स, दिस इज एंगल एक्स एंड दिस इज 62 डिग्री, क्लियर। एंड सेकंड इज गिवन एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दिस कंप्लीट एंगल इज 54 डिग्री, इट इज गिवन। ओके, अब कुछ एंगल्स निकालने हैं, एंगल ओ जेड वाई, वाई ओ जेड, लेकिन वो फिगर कंप्लीट होगी मैं बताऊंगा कहाँ पे है। देखिए पहले ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में पहले हम सबसे पहले एंगल जेड निकाल लेते हैं। ओके, सो वी गोट द सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दिख रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दिस इज ए ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सबका जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो यहां से एक्स कितना 62 डिग्री, वाई 54 डिग्री एंड जेड हमें निकालना है 180 डिग्री। सो यहां से जेड निकले, दिस अगर इसका टोटल करेंगे तो आएगा 116 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116 इज इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब बाकी जो इसका पार्ट था उसको अब ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एंगल जेड भी आ गया, जेड कितना आया है, हमारे पास एंगल जेड है 64 डिग्री, ठीक। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस वन वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। हमने कंस्ट्रक्शन किया वाई ओ इसका बाइसेक्टर बनाया, जेड ओ इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। सो अगर ये दोनों इक्वल्स हैं तो ये एंगल ए होगा तो ये एंगल भी ए होगा, ये एंगल बी तो ये एंगल भी बी, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स मीन्स दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी। सो यहां पे हम लिखेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। सो 2A इज इक्वल टू 54 डिग्री। सो यहां से ए आया हमारे पास 27 डिग्री, ठीक। सिमिलरली बी प्लस बी इज इक्वल टू 64 डिग्री, कौन सा एंगल है ये, एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, बी प्लस बी। सो 2B इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 32 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब देखिए उसने पूछा था आपसे एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, दिस एंगल, दिस इज बी। सो यहां से इस बी को लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। ओ जेड वाई निकल गया, एक पार्ट हमारा निकल चुका है। अब सेकंड पार्ट यहां करते हैं साइड में, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड ट्रायंगल दिख रहा है, ओ वाई जेड दिस इज ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स से दिस कंप्लीट एंगल इज सी, दिस कंप्लीट एंगल इज सी। मैंने आपको बताया था ये जो लेटर्स हैं ये वही सपोज करने हैं जो बाकी जगह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं ए नहीं मान सकता, क्यों, ए आ चुका है। एक्स नहीं मान सकता, क्यों, एक्स यहां पे है। वाई नहीं मान सकता क्योंकि यहां पे है। सो वी हैव टू टेक अ डिफरेंट अल्फाबेट फॉर एवरी एंगल, राइट। ओके, सो हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए दिस वन, बी दिस वन, सी, ए बी सी, दिस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से देखेंगे हम ए की वैल्यू कितनी है, 27, अभी हमने निकाली थी 27 डिग्री,
दिस इज 27 डिग्री, बी कितना निकाला 32 डिग्री एंड सी हमें निकालना है 180 डिग्री। सो सी यहां से आएगा, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ओके सो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 121 डिग्री, गॉट इट। एंड दिस सी, जो सी एंगल है इसका नाम क्या है, इसका नाम हम देखेंगे तो इसका लिख सकते हैं वाई ओ जेड, यही हमसे पूछा गया था। दिस इंप्लाइज एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री, आंसर। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट इन द सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।